पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म कौन था? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना, लियाकत अली खान। तो इसका करेक्ट आंसर है जी लियाकत अली खान। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था? इन चारों में से आंसर है जी चौधरी रहमत अली। और कितने साल बाद पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज हुआ था? तो 9 साल बाद जो है नाफिज हुआ था। पाकिस्तान का पहला सदर कौन थे? पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? सर आगा खान। पाकिस्तान का सबसे तवील ग्लेशियर कौन सा है? इसका आंसर है जी सियाचिन। जवाब नंबर जीम जोस। पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी नांगा पर्वत। 1947 के बाद पहला रेडियो स्टेशन कहाँ कायम हुआ? करेक्ट आंसर है जी कराची। पाकिस्तान कब यूएनओ का मेंबर बना? तो इसका करेक्ट आंसर है 1947। शाहराह कराकरम कहाँ से शुरू होता है? हसन अब्दाली से। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर सी पैक की कुल लंबाई है? इसकी जो कुल लंबाई है 2442 किलोमीटर। नादरा डैश में कैम किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जी 2000। 2000 में नादरा कैम किया गया। नवाज शरीफ कितनी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए? 3 बार। करेक्ट आंसर 3 बार। सेनेट ऑफ पाकिस्तान कितने मेंबरों पर मुश्तमिल है? 100। और उसके अलावा सवाल नंबर 15 आ जाता है, पाकिस्तान का सबसे तवील रेलवे प्लेटफॉर्म है? इसका आंसर है जी रोड़ी स्टेशन। और सवाल नंबर 16 आ जाता है, पहले आइन के नाफिज के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौन थे? इसका आंसर है जी चौधरी अहमद अली। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौमी परिंदा चकोर। पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? तो कौमी सब्जी है भिंडी। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है, पाकिस्तान का कौमी जानवर है मारखोर। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर। पाकिस्तान का आला सिविल अवार्ड है निशाने है पाकिस्तान। पाकिस्तान में शराह का कराक्रम कितनी लंबाई है? इसकी लंबाई है 887 किलोमीटर। कौमी परचम का गहरा सब्ज रंग अलामत है? इसका आंसर है जी मुसलमानों का। पाकिस्तान में सबसे गर्म जगह है, गर्म जगह है जैकबाबाद। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है, पाकिस्तान का सबसे तवील दरिया कौन सा है? तो दरियाए सिंध। और क्वेश्चन नंबर आ जाता है, पाकिस्तान का कौमी रंग? इसका आंसर है जी अलिफ बे जीम दोनों। और पाकिस्तान का कौमी लिबास है शलवार कमीज। पाकिस्तान का कौमी म्यूजिक कौन सा कहाँ वाक़ म्यूजियम कहाँ वाक़ कराची। और उसके बाद पाकिस्तान ने कौन सा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता? 1992 में वर्ल्ड कप जीता। गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा शहर है अस्करदू। कैद आजम के 14 नुकात कब शय हुए? 1900 जी यहाँ पर 29 में इसके 14 नुकात शय हुए। कैद आजम मोहम्मद अली जिना का इंतकाल कब हुआ? 11 सितंबर 1948 को। पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका आंसर है जी ख्वाजा नजीमुद्दीन। जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना तो उस दिन को हम क्या कहते हैं? यौमे तकबीर। और पाकिस्तान में सर्द तरीन मकाम कौन सा है? इसका सर्द तरीन मकाम जी स्कर्दू है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का कौन सा शहर खुशबुओं का शहर के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है जी हैदराबाद। पाकिस्तान के कौमी तराने का दौरानिया कितना है? 1 मिनट 20 सेकेंड दौरानिया है जी। यौमे पाकिस्तान किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है जी 23 मार्च यौमे पाकिस्तान मनाया जाता है। पाकिस्तान का कौमी फल क्या है, कौमी फूल क्या है? तो इसका है जी करेक्ट आंसर चंबेली। पाकिस्तान का कौमी शहर कौन सा है? तो कौमी शहर है जी अलामा मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद अली जिना कौन सी सन में कराची में पैदा हुए? 11 दिसंबर 1876। कैद आजम ने अपने कानून की इब्तदा सन में की 1900 सन में जो इब्तदा की। कैद आजम की पहली बीवी कौन थी? तो इसका आंसर नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐमा बाई। पाकिस्तान की कौमी मस्जिद, तो मस्जिद है जी शाह फैसल मस्जिद। पाकिस्तान का कौमी दरिया है जी दरियाए सिंध। इसका करेक्ट आंसर दरियाए सिंध। पाकिस्तान का कौमी पहाड़ कौन सा है? तो कौमी पहाड़ है जी केटू। और पाकिस्तान का कौमी नारा कौन सा है जी? ये तीनों हैं,
इत्तेहाद, नज्म और ईमान। पाकिस्तान का कौमी मशरूब क्या है? गन्ने का रस। और उसके बाद क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कौमी दरख्त है? कौमी दरख्त है जी देवदार। और उसके बाद क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? तो कौमी खेल है जी हॉकी। और क्वेश्चन नंबर 50 आ जाए, पाकिस्तान की कौमी डिश क्या है? तो कौमी डिश है नहारी।